और जिस तरीके से हमारे सरपंचों ने, सचिवों ने और माननीय मंत्री जी गोविंद सिंह राजपूत जी ने काम किया है, उससे समझ आ रहा है कि कैसा उनका क्षेत्र में जुड़ाव है और कैसे सुर्खी को वाकई परिवार मानने का जो प्यार उमड़ के आ रहा है। मैं बहुत सौभाग्य में हूँ कि मैं सुर्खी में, मेरी विधानसभा है और मेरा इतना बड़ा परिवार है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है, शिवराज सिंह चौहान जी का विश्वास है और पूरे सुर्खी परिवार का विश्वास है कि युवा का जितना भी मत है वो भारतीय जनता पार्टी। कमलनाथ जी आए थे और जो जगह वो तलाश रहे थे हेलीकॉप्टर में लैंड करने के लिए, वो भी गोविंद स्टेडियम था जो कि पिछले वर्ष बना है। भैया और राम राम नमस्कार, हमें तो चिंते ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। कही जा रही कि ईवीएम को जो चुनाव है वो युवाओं को चुनाव है, काय के 2003 में जब मध्य प्रदेश में बड़ो सत्ता परिवर्तन हुआ तो उनको 20 साल हो गए, तो नए वोटर का कहते हैं और युवाओं को लुभावे के लाने राजनेता या उनके पुत्र या युवा नेता का कर रहे हैं। आज आकाश राजपूत जी संगे, भैया नए वोटरों के संग का तैयारी है? वोटर तैयार होके अब बिल्कुल तैयारी के साथ जुट गया है इस माध्यम से कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हूँ आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आगमन हुआ, उनके आगमन से ही युवाओं में उत्साह डबल हो गया और उनकी वोट भी भारतीय जनता पार्टी पर तय हो गई। साथ ही साथ जो नव मतदाता भाई हमारा सभी है, उसको पता है कि कौन उनके हित में हर संबंधित कार्य कराता है, इसके लिए वो भी तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है, शिवराज सिंह चौहान जी का विश्वास है और पूरे सुर्खी परिवार का विश्वास है कि युवा का जितना भी मत है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जाएगा। 5-7 साल में युवाओं की बड़ी एक टीम आपने बनाई है, तो युवाओं के बीच की तरीकों को मत दिखाई दे रहा हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा, युवाओं का एक जो देश की आबादी है जिसमें 70 करोड़ युवा अहम भूमिका निभाता है, उस 70 करोड़ में करीबन 3.5 करोड़ मध्य प्रदेश की आबादी है। युवा बहुत जागरूक है, युवा एजुकेटेड है। वो ज़माना गया जब 90 के दशक में लोगों के पास मोबाइल नहीं थे और उन्हें पता नहीं रहता था कि किस हित में और किस पक्ष में अपना वोट दान करना है। आज युवाओं को कोई गुमराह नहीं कर सकता, सब युवाओं को पता है कि जिसने हमारे लिए हर संभव लड़ाई लड़ी है, चाहे वो शिक्षा के विषय में हो, चाहे वो खेल के विषय में हो और ऐसे रोज़गार के विषय में हो, हमने पूरा प्रयास किया है कि सुर्खी के लिए जो भी दे सके वो निश्चित तौर पे 100% दिया है। आकाश भैया, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में से कौन से मुद्दा हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि जिन पे कांग्रेस काउंटर कर सकती है या भाजपा उनको जवाब देने की जरूरत है? मैं तो खुद देख रहा हूँ कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जो रह गया है, क्योंकि कल माननीय कमलनाथ जी आए थे और जो जगह वो तलाश रहे थे हेलीकॉप्टर में लैंड करने के लिए, वो भी गोविंद स्टेडियम था जो कि पिछले वर्ष बना है। अब जो भी बात वो करेंगे, क्योंकि शिक्षा के विषय में बात करेंगे तो यहाँ पे 3 CM राइज स्कूल सुर्खी विधानसभा में बन रहे हैं, विद्यालय की बात करेंगे तो 3 महाविद्यालय बन के तैयार हो गए हैं, वो भी सुर्खी के लिए। अब युवाओं के लिए फ्री रोज़गार का एक विषय भी जो था वो 5 रोज़गार मेला कराकर हमने इसी साल वो पूरे कर दिए हैं, जिसमें 3,000 लोगों ने रोज़गार पाकर आज देश में और पूरे जगह अपना नाम फैला रहे हैं। साथ ही साथ खेल की विषय में बात करें तो खेल मैदान जो थे वो हमने 2 खेल मैदान इसी वर्ष तैयार करा दिए हैं, 2-2 करोड़ की लागत से, चाहे वो राजगढ़ का बात करें चाहे जयसी नगर की बात करें। अब एक और जो खेल मैदान रह गया था वो बिलेरा में भी 2 करोड़ की लागत से इसी वर्ष वो भी बन के तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेहत की, जिमशालाओं की बात करते हैं तो जो 2 जिमशालाएँ हैं वो खुल चुकी हैं, अब जो बकाया मंडल हैं वो 3 जिमशालाएँ और इस वर्ष चालू कर दी जाएंगी। आप अभिनय और फिल्म की दुनिया में भी हैं तो खास तौर से प्रचार प्रसार को लेकर भी जो रणनीति है, की तरीके की रणनीति कछु विशेष बनवाई है? रणनीति यही होती है कि परिवार के तौर पे एक सामने वाले परिवार की आप समस्याएं जान सकें, क्या जो सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को मिल सकता है उनकी आप वो अगर उनकी वो बात पूरी कर सकें। अगर किसी आदमी को कोई दुख होता है कि लाडली बहना का उनका नाम नहीं जुड़ पाया है तो उसे पूरी तरीके से पूर्ण करना, सचिव से जानकारी लेना, आप जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से जुड़कर और एक सरकारी योजनाओं का पता लगाते हैं कि वाकई ये योजनाएं ज़मीनी स्तर पर हैं या फिर आपके केवल भाषणों में वो योजनाएं आ रही हैं। और जिस तरीके से हमारे सरपंचों ने, सचिवों ने और माननीय मंत्री जी गोविंद सिंह राजपूत जी ने काम किया है, उससे समझ आ रहा है कि कैसा उनका क्षेत्र में जुड़ाव है और कैसे सुर्खी को वाकई परिवार मानने का जो प्यार उमड़ के आ रहा है। मैं बहुत सौभाग्य में हूँ कि मैं सुर्खी में, मेरी विधानसभा है और मेरा इतना बड़ा परिवार है कि आज मैं अगर गिर भी जाऊँ तो मुझे संभालने के लिए मेरे सुर्खी का युवा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
लक्ष्य का देख रहे हैं, विजय को लक्ष्य का देख रहे हैं, जीत को लक्ष्य का देख रहे हैं। जीत का लक्ष्य केवल एक होना चाहिए, वो बस मुझे नहीं पता किस मात्रा में क्या लक्ष्य है। लक्ष्य केवल ये होना अब चाहिए की बार, अब की बार, लक्ष्य केवल विकास का होना चाहिए, लक्ष्य अच्छे शिक्षा के माध्यम पूरे करने के लिए होना चाहिए, लक्ष्य जो जनता के उम्मीद हैं उस पर खरे उतरने का होना चाहिए। बाकी जो लक्ष्य का अंतर होता है वो मेरे लिए बस ये होता है कि एक बार जनता आपको फिर मौका दे, ताकि आप जो बचे हुए नल जल योजना के कार्य हैं, जो बचे हुए आपके जो वादे हैं उनको पूर्ण करके मैं खुद देखना चाहता हूँ कि सुर्खी में एक युवा जो है वो पूरी तरीके से एक विकास में सुर्खी देखे और एक अच्छा रोज़गार यहाँ पर माध्यम हो आगे जाकर, वही मेरा प्रयास रहता है। बाकी जीते भारतीय जनता पार्टी की निश्चित है, मैंने जिस तरीके से हर जगह आसपास विधानसभाओं में देखा है, और भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पे इस बार दिवाली 12 नवंबर को है, लेकिन मुझे लगता है सरकार 3 दिसंबर के बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी दिवाली एक बार फिर 3 दिसंबर के दिन मनाने वाली है। आकाश राजपूत को क्या वो है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दिवाली मनाए, दिवाली के बाद जब वोटों के जरिए उनकी जीत हुई है, अब लोकतंत्र में जनता तय करे की जीत की हार। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।